अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट। तो मैंने वहां पर ही वीडियो स्टॉप कर दी थी क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई थी वीडियो, तो मैंने सोचा टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आज इसी वीडियो का है पार्ट टू। तो मैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैं आया हुआ था लाहौर की हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। तो ये अभी यहाँ पर ये देखें, मीनार पाकिस्तान हूँ। शहबाज मेरे साथ है, रुशान मेरे साथ है। उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वीडियो का मज़ा आया होगा। इस वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। देखें मीनार पाकिस्तान, और सामने ही बिल्कुल आप बताते हैं बादशाह मस्जिद, बिल्कुल आमने सामने है। ये वो हिस्सा है जो हमें ये बाहर रोड से, फ्लाईओवर से नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह एक अलग ही खूबसूरती है इसकी। रुशान भाई अपना व्लॉग करें, देखें कितना खुला सहन है। यहाँ पर मैं आया हूँ बादशाह मस्जिद में। अभी आजकल वैसे कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पर शुरू हुई है, तकरीबन पूरे 100 साल के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। यहाँ अब रेनोवेशन होगी, लेकिन काफ़ी पुराने दौर का ये ग्लोब और यहाँ पर सारी काफ़ी चीज़ें पुरानी हैं। अंदर अभी यहाँ पर लाइटिंग का इतना सिस्टम नहीं, डे लाइट यहाँ पर है। अभी सारी यहाँ पर इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है। चेक करें भाई, काफ़ी गाने गा रहे हैं। ये देखें जी बादशाही मस्जिद, इनसाइड व्यू है ये। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। पीने वाला पानी यहाँ पर मिल गया था, और गर्मी तो वैसे है लेकिन बर्दाश्त एक तरह से करनी भी पड़ी क्योंकि आपके लिए अब आए हैं, तो आपको पूरा यहाँ पर विजिट कराएंगे। हमारा इकबाल का मज़ार है ये। अजानें शुरू हो गई, बाद में मिलता हूँ आपसे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम चलते हैं अब भाईजान आगे शाही किले की तरफ। ज़मीन तो काफ़ी गर्म है, कोई मसला नहीं है, लोग की खातिर करेंगे भाई सब बर्दाश्त। गर्मी से प्यास बहुत लग रही थी तो पानी पीते हैं और चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करने। देखें जी यहाँ पर अंग्रेज भी आया हुआ है। Blogger, what's a blogger? YouTuber. No. I'm a YouTuber. I made this Italian person. Thank you. Welcome. यहाँ पर कूड़ा वगैरह लोगों ने फेंका हुआ है, लेकिन हम नहीं फेंकेंगे, हम हाथ में रखेंगे। जहाँ हमें बास्केट नज़र आएगी वहाँ हम ये बोतल को करेंगे, फेंक देंगे, क्योंकि अपने मुल्क को हमारा साफ करना खुद फ़र्ज है, तो हम यहाँ पर गंदा नहीं करेंगे। कि हमें बास्केट मिल गई है तो यहाँ पर इसे फेंकेंगे, हमने इसे यहाँ इधर उधर नहीं फेंका। तो ये है जी शाही किला। ये देखें पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। हवा चलने लग गई है इसलिए थोड़ा सा अब इस टाइम मौसम बेहतर लग रहा है। तो चलते हैं जी शाही किले की तरफ। स्टीप है रास्ता थोड़ा सा। गेट के पास आए, आप देखते हैं खुलते हैं नहीं। नहीं भाई, गेट तो यहाँ पर जाम है, बिल्कुल बंद है गेट। तो अब चलते हैं वापस, मे भी कहीं और से एंट्री हो यहाँ पर, देखते हैं। यहाँ ये तो बंद है, मे भी यहाँ पर एंट्री हो। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी जगह बनाई हुई है। मेरा ख्याल है यहाँ पर जो बादशाह होंगे वो इस टाइम तो नहीं, जो पुराने वक्तों में बादशाह होंगे वो यहाँ पर आकर खिताब करते होंगे इस तरह की जगह पर। नीचे एक ग्राउंड है, काफ़ी प्यारा व्यू है यार। वैसे यहाँ का हिस्टोरिक प्लेसेस की अपनी एक बात है, यहाँ पर एक अलग ही नेचुरल व्यू आता है। अभी हमने थोड़ा सा शाही किले के आगे फ़ोटोशूट वगैरह किया है, तो अब चलते हैं आगे, मार्केट है, मार्केट की तरफ। वहाँ से शायद इन्होंने शाही किले की एंट्री भी दी हो,
तो देखते हैं क्या सीन है। वो देखें सामने है जी गुरुद्वारा सिखों का, आगे पूरी मार्केट है। ब्रश भी बढ़ने लग गया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, जब हम आए थे तब काफ़ी सन्नाटा था, इस टाइम पे अब ज़्यादा रश होने लग गया क्योंकि आज संडे का दिन है, लोग ज़्यादा आने लग गए हैं अब यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर ही मैंशन किया गया हजूरी बाग, ये सारा हजूरी बाग कहलाता है। देखें गुरुद्वारे का यहाँ पर इनका जो भी साइन होता है, मुझे तो इसका आइडिया नहीं। ये सामने गुरुद्वारे की एंट्री है, ये जो वाइट कलर की ये दीवार है सारी सामने, ये मेरा ख्याल है शाही किले की एंट्रेंस होगी। तो चलते हैं, ये मार्केट है सारी यहाँ पर। ये देखें जी यहाँ पर ये सारी डिटेल मेंशन की गई है, लेजेंड्स ऊपर यहाँ पर टाइटल दिया गया है, इसके नीचे आई थिंक ये सारी जो एरिया होंगे यहाँ पर, जैसे ये लिखा हुआ है आलमगिरी दरवाज़ा, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल, सारी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। जौन जौन सी जगह हैं जैसे मगरबी दालान, मशरक़ी दालान, वॉल्ट सिटी, दफ्तर, हर जगह को मेंशन किया गया है। यहाँ पर एक पूरा डिटेल्ड मैप भी है। ये है जी शाही किला लाहौर फोर्ट के टाइटल, देखिए इन्होंने पूरा यहाँ पर अंदर से लिखा। ये जी हम आ गए हैं मिंटू पार्क भी इसे कहते हैं, और आई थिंक ये जिनाह पार्क भी शायद इसे कहते हैं। निशान बताइएगा यार क्या कहते हैं इसे, पता है आपको? हमें भी आइडिया नहीं। ये मिंटो पार्क है, मिंटो पार्क तो कहते हैं, एक और भी इसका नाम मैंने पढ़ा था एसएससी की बुक में, मैंने भी पढ़ा था लेकिन इस टाइम अभी दिमाग में नहीं है। मीनारे पाकिस्तान ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, चलते हैं मीनारे पाकिस्तान की तरफ। सामने एक बड़ी सी झील भी है, मे भी यहाँ पर बोटिंग अलाउड हो, देखते हैं क्या सीन करते हैं, शायद हम बोटिंग कर लें। देखें जी ये काउंटर है, टिकट काउंटर, टिकट तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में है, 75 रुपीज़ पर पर्सन ओनली, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं ली। इसकी जो एक रीज़न है वो है गर्मी, क्योंकि गर्मी में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता बोटिंग का, क्योंकि इस टाइम आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री पड़ी है यहाँ पर बोट, कोई फैमिली या कोई यहाँ पर लोग लेते हैं ज़्यादातर अच्छे मौसम में, बादल होना ज़्यादा, ये रुशान भाई वाली बात कि ज़्यादातर अगर अच्छा मौसम हो तो फिर मज़ा आता है इस झील में जाने का, बोटिंग करने का। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर रश काफ़ी है, टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं, सामने भी काफ़ी लोग हैं लेकिन बोटिंग नहीं करे क्योंकि गर्मी है। छाँव में काफ़ी ठंडी हवा है, सुकून है छाँव में, लेकिन धूप में गर्मी काफ़ी लग रही है। मीनारे पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करते हैं। ये देखें पाकिस्तान का झंडा और ये है मीनारे पाकिस्तान। यहाँ पर आगे फेंस लगी हुई है, इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक कर दिए, आगे नहीं जा सकते, पहले अलाउड होता काफ़ी पहले, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने हिस्सा बंद कर दिया। तो मीनारे पाकिस्तान की मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताता चलूं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो पेशकश थी वो मंजूर हुई थी, यानी कि मुसलमानों का एक अलहदा जो मुल्क होना चाहिए वो यहाँ पर मंजूर हुआ था। यही वो जगह है, अब इसको मिंटो पार्क कहा जाता है। क्या मुझे यहाँ पर एक यहाँ पर ये बोर्ड नज़र आया जिस पर लिखा हुआ पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटली इंटरेक्टिव म्यूज़ियम, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जाऊँ। यहाँ पर इन्होंने टाइमिंग भी मैंशन की है जो कि है ट्यूसडे टू संडे 10 AM to 6 PM, लास्ट एंट्री जो होगी यहाँ पर 4:30 PM पे होगी, और ये है ग्रेटर इकबाल पार्क के गेट नंबर 4 पे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी जाऊँ, म्यूज़ियम में विज़िट करूँ। शिबाज ये आपको एक कुआं नज़र आ रहा होगा, इसमें छलांग मारने लगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए, तो हैशटैग डू इट फॉर द व्लॉग। चल भाई शिबाज शुरू हो जाए। ये देखें अब मुकर गया भाई, वीडियो के अंदर आपने लाइव देखे, बाबे बलोचिस्तान से बाद अब यहाँ पर हम आ गए हैं बाबे पंजाब पे। देखें जी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल म्यूज़ियम में, डिजिटल म्यूज़ियम है यहाँ पर, वीडियोस रिकॉर्ड हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, और सारे यहाँ पर मेंशन भी है सारी हिस्ट्री जो है, डेट्स वगैरह और सब यहाँ पर जो भी है हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे सर सईद अहमद खान, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना, और यहाँ पर इलामा इकबाल, सबसे रिलेटेड यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर ब्रिटिश का जो यहाँ पर एरा था, और सारा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ये कंपनी राज, सब यहाँ पर मेंशन है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखें शहबाज यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर कोई वीडियो देख रहा है। सलामा ये कायदे आजम का ये यहाँ पर बयान कर रहा है जो वॉइस रॉय से एड्रेस किए।
पर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो लाइक कर दें वीडियो को। तो हम आ चुके हैं म्यूजियम से, तो अब चलते हैं घर की तरफ। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। तो इसी के साथ हम करते हैं आज का अपना ये व्लॉग। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इससे भी एक अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।